हाँ जी, सी ए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉम्पैक्ट बैच के अंदर। एंड ये बैच जो कि हमने मात्र 25 घंटे के अंदर सारा SPOM का सिलेबस ख़त्म करने की कसम खाई है इस बैच के अंदर। अगली बात मैं दोबारा बोलूँगा कि वो सभी स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्चुअल बैच लेना चाहते हैं वो इसमें से कभी भी शिफ्ट उसमें कर सकते हैं। एंड मेरी टीम से कांटेक्ट करवा के उसमें शिफ्टिंग जो भी हो अप्रोप्रिएट करवा सकते हैं, क्योंकि आप IBS अगर लेना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल बैच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि IBS का लेवल बहुत ज़्यादा अप होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स। अभी तक जो हमने चैप्टर किया अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, वो था सेक्शन 149 से लेकर 172 तक। और इस सेक्शन की शुरुआत होती है, इस चैप्टर की शुरुआत होती है 173 से लेकर, और ये जाता कहाँ तक है, ये सेक्शन ये जाता है सेक्शन 193 तक। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। क्या कहना चाहता है ये बोर्ड मीटिंग एंड इट्स पावर्स? सबसे पहले 173 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में बताता है। कहता है बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार होनी चाहिए? साल में लिखा है कि साल में होनी चाहिए 4 बोर्ड मीटिंग। अच्छा, वर्ड लिखा है एवरी ईयर। ईयर का मतलब ना लिखा हो तो ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर लिखा जाता है। ये कहाँ लिखा है? ये लिखी है बात जनरल क्लॉज एक्ट में। ठीक है, तो ईयर का मतलब कुछ ना लिखा हो तो कैलेंडर ईयर लिया जाता है। तो इसका मतलब ये कैलेंडर ईयर में 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। एंड किसी भी मीटिंग के बीच का गैप 120 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात भी? चले, बट जैसे ही मैं सेक्शन 8 कंपनीज की बात करता हूं तो सेक्शन 8 कंपनीज में एक चेंज है। वो क्या है कि वहां पर 6 कैलेंडर मंथ्स के अंदर एक मीटिंग करना जरूरी है। कितना? 6 कैलेंडर मंथ्स के अंदर एक मीटिंग करना जरूरी है। परंतु सेक्शन 8 कंपनीज को ये एग्जम्पशन तब मिलेगी जब उन्होंने सेक्शन 137 और 92 का कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। ठीक है जी, अब यहां पर एक एनालिसिस में एक चीज देख लीजिएगा। कहता जी कंपनी का अगर जन्म 1 सितंबर 2018 को हुआ है तो विल इट बी पॉसिबल कि इस कैलेंडर ईयर 2018 में इसकी 4 बोर्ड मीटिंग हो जाए? नहीं। तो फिर ये तो गलत हो गया, नॉन कंप्लायंस हो गया, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लॉ ने लिखा है ईयर के अंदर 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ईयर का मतलब है जनवरी से दिसंबर। जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 सितंबर को हुआ है तो जनवरी टू दिसंबर तो आया ही नहीं ना, वो तो 2019 में बनेगा। ठीक है, तो कंपनी यहां तुम्हें एक चीज इंश्योर करनी है, वो क्या कि 2 बोर्ड मीटिंग का गैप 120 दिन से ज्यादा मत हो, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो यानी कि क्या ये मीटिंग वैलिड है? अगर पहली बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर होती है और अगली बोर्ड मीटिंग 29 दिसंबर को हो जाती है तो क्या ये वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कैलेंडर ईयर तो अगले साल से शुरू होना है ना। ठीक है, और आगे बढ़े उसके बाद कहता IFSC कंपनीज में एग्जम्पशन है। वो क्या कि इन्हें पहली बोर्ड मीटिंग कब तक हेल्ड करनी है? विद इन 60 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी है इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, यानी कि हर 6 महीने के अंदर एक मीटिंग करनी है। किन की बात कर रहे हैं हम? IFSC कंपनीज की। या IFSC प्राइवेट हो या पब्लिक हो, दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड लगता है जो कहता है कि कंपनी शैल होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन ईच कैलेंडर ईयर विद अ मैक्सिमम इंटरवल ऑफ 120 डेज। तो यहाँ पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में क्लेरिफिकेशन दे दी गई है कि ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर होता है, ना भी देते तो हमें पता था। फिर उसके बाद 1 पर्सन कंपनी हैविंग 1 डायरेक्टर। देखो जी, 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 1, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। बट हम केवल उन 1 पर्सन कंपनी की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिनके अंदर केवल एक डायरेक्टर होता है। केवल उन्हीं 1 पर्सन कंपनी की चर्चा यहां पर की जा रही है जहां पर एक डायरेक्टर होता है। तो कहता है कि अगर कोई ऐसी 1 पर्सन कंपनी है जिसका एक ही डायरेक्टर है तो फिर इस 1 पर्सन कंपनी को शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू होल्ड इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि इनको एक भी बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड मीटिंग करेंगे कैसे? एक ही डायरेक्टर है तो मीटिंग कैसे होगी? मतलब ये तो वही हो गया, हिसाब किताब हो गया कि मैं सुबह शीशे के सामने अपने आप को देखा और मैंने कहा पोपली बड़ा स्मार्ट लग रहा है और क्यों ना आज अपने आप से विवाह कर लूं। भाई, विवाह करने के लिए कोई सामने तो होना चाहिए। अपने गले में खुद मंगलसूत्र डालूं, अपनी मांग में खुद सिंदूर भरूं, अच्छा लगूंगा क्या? नहीं अच्छा लगूंगा। भाई, सामने कोई तो हो, तो मीटिंग में कोई तो हो, अकेला जाके बंदा मीटिंग करेगा? तो इसलिए अकेली, जहां अकेला डायरेक्टर होगा तो इनकी बोर्ड मीटिंग का प्रोसीजर अलग है, सेक्शन 122 में दिया हुआ है। ये क्या करते हैं कि केवल बोर्ड मीटिंग के मिनट्स के अंदर जो है रेजोल्यूशन वो लिख देते हैं और यहां पे डेट डाल देते हैं, बस उसे बोर्ड मीटिंग मान लिया जाता है 1 पर्सन कंपनी विद 1 डायरेक्टर को। ठीक है, चलिए
उसके बाद आता है कि हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल इतना ध्यान रख लेना कि पार्टिसिपेशन जो है बोर्ड मीटिंग में वो इन पर्सन भी किया जा सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी किया जा सकता है, या किसी अदर ऑडियो विजुअल, ऑडियो प्लस विजुअल होना चाहिए, केवल ऑडियो से नहीं चलेगा, ठीक है, मोड के थ्रू भी हो सकता है। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज रूल नंबर 3 के अंदर जो व्यक्त किए गए हैं बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से रूल्स हैं चलिए देखना शुरू करते हैं। हाँ जी, जो दो रेलेवेंट रूल है मैं बताता जा रहा हूँ। पहला कहता है जी कंपनी को अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि ऑडियो वीडियो में कोई फेलियर ना हो, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। दूसरा, हाँ जी, चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी को ड्यू केयर एंड रीजनेबल केयर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या कि मीटिंग का सारा मैटर जो है वो सेफगार्ड रहे, मतलब पता लगा मीटिंग लीक हो रही है, जूम कॉल पे चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो और विजुअल इक्विपमेंट और फैसिलिटीज, जो भी लाल कलर में है ध्यान से रखना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चेयरपर्सन की एंड कंपनी सेक्रेटरी की, वो ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि मिनट्स बनाने के लिए सारी मीटिंग्स जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है। फिर उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर जगह पे ये पूरी रिकॉर्डिंग को हम लोग सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। आगे और बढ़ते हैं, हाँ जी ये बहुत रिलेवेंट है। उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई भी और डायरेक्टर अदर देन द कंसर्न व्यक्ति, मतलब कोई भी और व्यक्ति अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर्स वगैरह, वो मीटिंग को ना तो एक्सेस कर पा रहा है ना मीटिंग को अटेंड कर पा रहा है। कोई भी और व्यक्ति अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट एक चीज है, अगर मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है या डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसके उसके साथ किसी और को आने दिया जाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे तो उसे परमिशन दे सकता है। उसके अलावा नोटिस ऑफ द मीटिंग जो है वो सभी के सभी डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा, ऑल द डायरेक्टर, मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर को भी जाएगा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी जाएगा, गेटिंग इट। उसके बाद नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म रिगार्डिंग द ऑप्शंस अवेलेबल टू पार्टिसिपेट थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ध्यान रखना वर्ड है शैल। नोटिस ऑफ मीटिंग में जरूर लिखा गया होगा कि डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन है कि वो मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। हर वो डायरेक्टर जो कि मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू अटेंड करना चाहता है, हर वो डायरेक्टर जो कि मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के थ्रू अटेंड करना चाहता है, तो शैल कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू द चेयरपर्सन और द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। वो अपनी इंटेंशन पहले से ही बता देगा कि हाँ जी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता हूँ। अच्छा, ये अपनी इंटेंशन कब बताएगा, मीटिंग से पहले? लॉ कहता है नहीं 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 नहीं, अगर आप बताना चाहते हो तो प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ेगी टू इनेबल द कंपनी टू मेक द अरेंजमेंट। और ये कब देनी पड़ेगी, ये अरेंजमेंट ये करना पड़ेगा आपको कब, एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर। और ये जो डिक्लेरेशन है ये वैलिड रहेगी पूरे कैलेंडर ईयर के लिए, तो आपको पूरा हिसाब किताब जो भी आप जहां भी घूमने जा रहे हो जो भी है पूरे कैलेंडर ईयर के शुरू में ही बता देना कि आप कहां कहां घूमने जाना चाहते हो या जो भी करना चाहते हो, मतलब कौन कौन सी मीटिंग आप इस तरीके से अटेंड करना चाहते हो, ठीक है जी। आगे फिर कहता है कि अगर मान लीजिए अगर आपने डिक्लेरेशन दे दी उसके बाद आप मीटिंग को पर्सनली अटेंड फिजिकली अटेंड करना चाहते हैं तो क्या कोई दिक्कत है? लोग कहते कोई दिक्कत नहीं है। That such declaration shall not debar a person from participating in the meeting in person, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई information नहीं दी, अगर मान लीजिए आपने कोई information नहीं दी कि मैं video conferencing के through attend करना चाहता हूँ meeting को, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप person in person ही आएंगे meeting के अंदर, physical present होंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी मीटिंग शुरू होगी ना, तो सबसे पहले चेयरपर्सन साहब क्या करेंगे, एक रोल कॉल लेंगे। रोल कॉल मतलब वो याद है कि बचपन में क्लास के अंदर अटेंडेंस लगती थी, मैडम कहती थी रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, आप कहते थे प्रेजेंट प्रेजेंट, बस ऐसे ही। यहाँ पे चेयरपर्सन रोल कॉल लेंगे, नाम पुकारेंगे, रामलाल जी हैं, वो डायरेक्टर साहब कहेंगे हाँ जी मैं रामलाल जी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मतलब वो सारे अपने अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो यानी कि मीटिंग के बिगिनिंग में ही रोल कॉल ली जाएगी, किसके द्वारा? चेयरपर्सन के द्वारा, जहां पर हर डायरेक्टर जो है जो भी मीटिंग अटेंड कर रहा है वो क्या क्या बताएगा, अपना नाम बताएगा, अपनी लोकेशन बताएगा, उसे एजेंडा मिल गया है ये बताएगा, एक डिक्लेरेशन देगा कि उसके अलावा कोई भी और उस मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है जी। और आगे बढ़े,
रोल कॉल होने के बाद अब क्या होगा, चेयरपर्सन साहब हो गए या फिर और कंपनी सेक्रेटरी साहब हो गए, दे शैल इन्फॉर्म द बोर्ड अबाउट नेम ऑफ द पर्सन अदर देन द डायरेक्टर हुआ प्रेजेंट फॉर सेड मीटिंग। यानी कि एक तरीके से ये बताया जाएगा कि कौन कौन से डायरेक्टर मीटिंग में एबसेंट हैं, यानी कि उन डायरेक्टर के अलावा जो मीटिंग में डायरेक्टर हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनके नाम बताए जाएंगे। अच्छा, एट द रिक्वेस्ट और विद परमिशन ऑफ चेयरपर्सन एंड कन्फर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज कम्प्लीट, और कन्फर्म करेंगे एंड कन्फर्म दैट द रिक्वायर्ड कोरम इज कम्प्लीट। इस पे एमसीक्यू बड़े आराम से बन सकता है। चलिए, अब सवाल उठा कि जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहा है क्या वो कोरम में काउंट होगा? बिल्कुल होगा, कमाल कर दी, जान मांगी होती। अ डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो ऑडियो विजुअल मींस, क्या वो कोरम में काउंट किया जाएगा? यस, कोरम में काउंट किया जाएगा। अच्छा, यहाँ अनलेस के बाद एक लाइन लिखी हुई है, बेकार है, अब उसका रेलेवेंस नहीं है। पहले हुआ करता था, अमेंडमेंट आ गई, इसका रेलेवेंस खत्म हो गया है, बट ये लाइन आज भी लिखी हुई है, हटा सकते हैं। फिर कहता है चेयरपर्सन शैल इंश्योर कि कोरम जो है थ्रू आउट द मीटिंग रहेगी, केवल बिगिनिंग में नहीं रहनी चाहिए कोरम, कोरम थ्रू आउट द मीटिंग रहनी चाहिए, ध्यान रखना। और आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है विद रिस्पेक्ट टू एवरी मीटिंग कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस ऑथराइज्ड अंडर दिस रूल्स। हाँ जी, ये बड़ा रेलेवेंट है। कहता है अगर मान लीजिए मीटिंग हो रही है, सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बैठे हैं, तो अब वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्या लिया जाएगा, वेन्यू ऑफ द मीटिंग क्या लिया जाएगा? देखो, ऐसा है कि आपने नोटिस ऑफ द मीटिंग दिया होगा, जब आपने नोटिस ऑफ मीटिंग दिया होगा तो आप नोटिस ऑफ मीटिंग में लिखते हो कि हाँ जी इस दिन मीटिंग होगी इस लोकेशन पे। तो जो नोटिस के अंदर आपने लोकेशन मेंशन की है ना, वो माना जाएगा वेन्यू ऑफ द मीटिंग। समझ गए? जो भी नोटिस के अंदर आपने लोकेशन मेंशन की है वो वेन्यू ऑफ द मीटिंग कंसीडर किया जाएगा। तो चाहे सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द शेड्यूल वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज सेट फोर्थ इन द नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी द प्लेस ऑफ सेट मीटिंग। ठीक है जी, बस ये जो ब्लू में है अंडरलाइन कर देना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब मीटिंग के अंदर ना कई आपको रजिस्टर्स वगैरह प्लेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सेक्शन 171 के अंदर हमने पढ़ा था मेंबर्स और केएमपी की शेयर होल्डिंग वगैरह, तो वो आपको बोर्ड मीटिंग में भी प्लेस करना पड़ेगा, प्लस एजीएम के अंदर भी रखा जाता है। तो फिर कहता जी कोई भी ऐसा रजिस्टर, ऐसे ही अभी हम 184 में रजिस्टर करेंगे, 188 में रजिस्टर करेंगे, तो फिर वो सारे रजिस्टर जो कि रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड इन द बोर्ड मीटिंग है, तो फिर अगर मेंबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर क्या होगा? तो कहता है ये सारे रजिस्टर कहाँ कैप्ट किए जाएंगे, शैल बी प्लेस्ड एट द शेड्यूल वेन्यू जो कि नोटिस ऑफ द मीटिंग में लिखा हुआ है। और मान लीजिए कई बार इन मीटिंग्स को साइन, इन रजिस्टर्स पे साइन करने की जरूरत पड़ती है, तो फिर साइन कैसे किए जाएंगे? कहता जी सेम शैल बी डीम्ड टू हैव बीन साइंड बाय द डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इफ दे हैव गिवन देयर कंसेंट टू दिस इफेक्ट एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। तो यानी कि जैसे ही, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है, सेक्शन 184 में हम पढ़ेंगे, तो फिर वो रजिस्टर के अंदर मेंशन करनी होती है ये चीज, ठीक है, और रजिस्टर को साइन भी करना होता है। तो अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है, तो अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहा है तो बस वो ये बात बोल देगा कि मेरी कंसेंट है, बस ये रिकॉर्ड कर ली जाएगी, दैट्स इट, ये माना जाएगा कि उसके साइन हो गए हैं, ठीक है। फिर हर व्यक्ति पहले अपना नाम बताएगा कि मैं ये बोल रहा हूँ, किसी भी आइटम ऑफ द बिजनेस पे बोलने से पहले, फिर उसके बाद हाँ जी, अगर मान लीजिए डायरेक्टर के बोलते बोलते कोई उसकी स्टेटमेंट अटक गई, जैसे वो कनेक्शन कट गया बीच में, तो फिर चेयरपर्सन या फिर कंपनी सेक्रेटरी उसे कह सकते हैं कि यार दोबारा बोल, एक बार दोबारा से रिपीट कर। ये पॉइंट भी एमसीक्यू में आ सकता है, इसके ऊपर एमसीक्यू आराम से बन सकता है। फिर हाँ जी, फिर कहता है इफ द मोशन इज ऑब्जेक्टेड टू एंड देयर इज अ नीड टू पुट इट टू द वोट, द चेयरपर्सन शैल कॉल द रोल एंड नोट द वोट ऑफ ईच डायरेक्टर हु शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ व्हाइल कास्टिंग हिज वोट। मतलब अगर कोई भी मोशन वोटिंग के लिए जा रहा है, कोई भी मोशन मतलब कोई भी प्रस्ताव वोटिंग के लिए जा रहा है, तो चेयरपर्सन हर एक डायरेक्टर का नाम बताएंगे कि हाँ जी ये वोट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो वोट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बताएगा कि कौन कौन वोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, ये टेंथ पे आइएगा।
कहता है जी अगेन, कहता है देखो जी मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक कोई भी और व्यक्ति, चेयरपर्सन को छोड़ दो, डायरेक्टर को छोड़ दो, कंपनी सेक्रेटरी को छोड़ दो, और कोई व्यक्ति जिसकी प्रेजेंस जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलाउ की है उसे छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल अटेंडेंट के साथ, फिजिकल डिपेंडेंट के साथ जो आया था, उनके अलावा और कोई भी बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर ही नहीं सकता। ठीक है, आगे जब भी किसी एजेंडा पे डिस्कशन हो जाएगी तो फिर चेयरपर्सन साहब डिक्लेयर करेंगे किसका नाम, उन डायरेक्टर्स का नाम जिन्होंने डिसेंट किया है, यानी कि जिन्होंने डिसेंट किया है, जो अगेंस्ट में है ना उनका नाम पुकारा जाएगा कि हाँ जी ये डायरेक्टर डिसेंट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। ठीक है जी, चलिए मिनट्स के अंदर ये जरूर लिखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मींस के थ्रू अटेंड किया था। अब ये सारा पैरा बड़ा रेलेवेंट है पेपर के लिए, एमसीक्यूज इस पे बन सकते हैं बहुत ज्यादा, ये खासकर पॉइंट नंबर 1 और 2 देखिएगा। कहता है जी ड्राफ्ट मीटिंग, ड्राफ्ट मिनट्स जो होंगे, मतलब जो भी मिनट्स की मिनट्स बने वहां पर, वो मिनट्स बनने के बाद सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, सर्कुलेट कर दिए जाएंगे सभी के सभी डायरेक्टर्स को, कितने दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर, टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, 15 डेज ऑफ द मीटिंग, या तो राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में, एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, राइटिंग में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में भी हो सकते हैं, बट कीवर्ड क्या है, 15 दिन के अंदर अंदर सर्कुलेट हो जाने चाहिए। अच्छा, कहता है जी हर डायरेक्टर को कंफर्म करना पड़ेगा या अपनी कमेंट देने पड़ेंगे कि अगर वो चाहता है कि कोई चेंज करवाने हैं मिनट्स में तो उसे कमेंट करने पड़ेंगे, चाहे वो डायरेक्टर पर्सनली अटेंड कर रहा हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर रहा हो। ये कमेंट कितने दिन में आ जाने चाहिए, विदिन 7 डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 7 दिन के अंदर अंदर कमेंट दे देने चाहिए, और अगर नहीं देता, फेलिंग विच माना जाएगा कि उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। ठीक है जी, चलिए जी, फिर कहता है मिनट्स बनाते हुए 118 के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखा है बस इतना सा कि खाली ऑडियो नहीं चलेगा, ऑडियो वीडियो दोनों होने चाहिए। ठीक है, चलिए 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 चलिए, हाँ जी, फिर कहता है जी बोर्ड मीटिंग के लिए नोटिस दिया जाएगा कम से कम 7 दिन का, 7 दिन का, कम से कम 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा हर डायरेक्टर को। कैसे, नोटिस हैंड डिलीवरी के थ्रू भी दिया जा सकता है, पोस्ट के थ्रू भी दिया जा सकता है, या फिर ईमेल वगैरह के थ्रू, मतलब अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वगैरह के थ्रू भी दिया जा सकता है। क्या शॉर्टर नोटिस अलाउ है, हाँ जी अलाउ है, शर्त यह है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में जरूर प्रेजेंट हुआ हो। अगर मान लीजिए वो भी प्रेजेंट नहीं हो पाया तो फिर ये जो भी उसकी एब्सेंस में हुई है मीटिंग, उसके मिनट्स सर्कुलेट कर दीजिएगा सबको, और जिस दिन कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंसेंट मिल जाएगी उस दिन इस मिनट्स को मैं फाइनल मान लूंगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, D1 एक डायरेक्टर है, उसने सर्व किया नोटिस दैट नो नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड टू हिम, तो क्या कंपनी को नोटिस उसे भेजना पड़ेगा? भाई डायरेक्टर खुद कह रहा है कि मुझे नोटिस मत भेजो, तो बताइए उसे नोटिस भेजने की जरूरत है? यस, क्योंकि ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है नोटिस भेजना, तो आपको सबको भेजना ही भेजना है, चाहे कोई डायरेक्टर कहे कि मुझे नोटिस की डेट पता है, मुझे मीटिंग की डेट पता है, मगर फिर भी भेजना पड़ेगा। ये परमेश्वरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कहता है जी नोटिस भेजना तो एक स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया डायरेक्टर कंसर्न डायरेक्टर को पता था इसलिए हमने नोटिस नहीं दिया, पेनल्टी लग जाएगी, ध्यान रखना पेनल्टी लग जाएगी। और दूसरी बात है, मीटिंग शैल नॉट बी वैलिड, और जो भी रेजोल्यूशन पास होंगे, अगर आपने पता लग गया कि किसी को जानबूझ के नोटिस नहीं दिया तो फिर सारी मीटिंग इनवैलिड हो जाएगी। पेनल्टी कितनी है जी यहां पर, पेनल्टी है 25,000 रुपए अगर नोटिस ना दिया तो। अच्छा, फिर कुछ सेक्शन 8 कंपनीज को तो हमने एग्जम्पशन सुन ली, उसके अलावा और छोटी छोटी कंपनियां लाइक 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जो कि इन द नेचर ऑफ स्टार्टअप है। बस वही, अब स्टार्टअप आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वो लिख के देगा आपको स्टार्टअप है।
तो उनके लिए माना जाएगा सेक्शन कंप्लाई हो गया है, उनको एक 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। परंतु एक चीज ये जरूरी है कि दो बोर्ड मीटिंग का गैप कम से कम 90 दिन का रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियां क्या बदमाशी करती थी, एक मीटिंग करती थी 30 जून को, एक मीटिंग करती थी 1 जुलाई को। तो पहले 6 महीने भी पूरे, अगले 6 महीने भी पूरे। लॉ कहता है फॉर्मेलिटियां ना निभाओ, इसलिए दो मीटिंग का गैप मिनिमम 90 दिन का होना चाहिए। ऊपर नॉर्मल कंपनियों में दो मीटिंग का गैप मैक्सिमम 120 डेज, बट इन कंपनियों में दो मीटिंग का गैप मिनिमम 90 डेज, याद रहेगा। चले फिर इन लोगों को एग्जम्पशन तब है अगर इन्होंने 137 और सेक्शन 92 में कोई भी नॉन कंप्लायंस ना किया हो। फिर अच्छा, स्मॉल कंपनी क्या होती है, जो तीन फीचर पूरे करती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, प्लस जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 4 करोड़, प्लस जिसकी मैक्सिमम टर्नओवर 40 करोड़ रुपए होनी चाहिए, वो बनेगी आपकी स्मॉल कंपनी। ठीक है जी, चलिए अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं हम कोरम पे, सेक्शन 174 कोरम। देखो जी, बोर्ड मीटिंग में मैंने कहा जी कोरम होनी चाहिए और कोरम थ्रू आउट द मीटिंग होनी चाहिए, ठीक हो गई इतनी बात। तो कोरम होती कितनी है, लॉ कहते हैं जी कोरम कितनी होती है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, ये होनी चाहिए कोरम। अच्छा, क्या पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह ऑडियो वीडियो मीन्स गिना जाता है? यस, वर्ड जब टोटल स्ट्रेंथ लिखा गया है तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो डायरेक्टर जो अब नहीं है बोर्ड पे, जिनका प्लेस वैकेंट है, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसके मैक्सिमम डायरेक्टर आर्टिकल में लिखे हुए हो सकते हैं 12, एक्चुअल में डायरेक्टर हैं 10, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी मानी जाएगी, आंसर इज 10। ठीक है, सपोज इन अबव एग्जांपल 10 में से 3 डायरेक्टर रिजाइन करके चले गए, तो अब कितनी मानी जाएगी, 10 - 3 = 7। तो टोटल स्ट्रेंथ मतलब जो रियल में एक्चुअल में डायरेक्टर कंपनी में है वो है टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, चलिए फिर आते हैं हम सेक्शन 8 कंपनीज पे। सेक्शन 8 कंपनीज के लिए कोरम कितनी होती है, 25% ऑफ द स्ट्रेंथ और 8 विच एवर इज लेस, मगर किसी भी हालत में कोरम 2 से नीचे नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनीज तुम्हें एग्जम्पशन तब है जब 137 या 92 में आपने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो। तो सेक्शन 8 कंपनीज में दोबारा बोलो, 8 और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस, मगर किसी भी हालत में 2 से नीचे नहीं होगी कोरम, क्योंकि 2 से नीचे तो मीटिंग ही नहीं हो सकती ना। चले अब ये नॉर्मल कंपनीज में मैंने कोरम निकालना सिखाया हुआ है, 1/3 और 2 विच एवर इज जो भी हमारा नंबर था हायर। तो देखिएगा ये सारे के सारे आपके कोरम निकल के आ गए होंगे, आप इसे कर सकते हैं, ये वाला काफी आसान है, एक बार आप देख सकते हैं इसे। उसके बाद हम आगे आते हैं, 174-2 से पहले 174-3 करना जरूरी है। हाँ, ये टेक्निकल मुद्दा है, ध्यान से समझना। 174-3 क्या कहता है, कहता है किसी भी वक्त अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, मतलब जो किसी प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो फिर वो इंटरेस्टेड कैसे निकलते हैं 184 में सीखेंगे। अगर किसी भी वक्त इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो 2/3 या फिर 2/3 से भी ज्यादा हो गए हैं ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड, तो फिर जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो कोरम मान लिए जाएंगे, प्रोवाइडेड वो 2 से नीचे नहीं होने चाहिए। हे माँ माता जी, तो दोबारा देखो जी, अगर किसी भी वक्त इंटरेस्टेड डायरेक्टर की संख्या 2/3 या 2/3 से ज्यादा हो चुकी है ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, तो जितने भी डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर हैं वो सब के सब क्या मान लिए जाएंगे, कोरम मान ली जाएगी, प्रोवाइडेड वो 2 से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ले देकर कोरम से रिलेटेड मेरे पास 2 पॉइंट आ गए, एक है 174 सबसेक्शन 1 जो कोरम कहता है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, फिर एक ये वाला 174-3 जो कहता है कि अगर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 पहुंच गए तो फिर कोरम डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर की हो जाएगी, जो 200 नीचे नहीं होनी चाहिए। तो एक तरीके से 2-2 कोरम हो गई। तो अब आपको करना क्या है, देखिए जी कंबाइन एनालिसिस, आपको सबसे पहले जब भी कोरम पे क्वेश्चन आ जाए तो चेक करना है कि क्या 174-3 अट्रैक्ट हो रहा है, अगर तो हो रहा है तो कोरम को 174-3 के अनुसार ही देखना, परंतु अगर नहीं हो रहा है तो कोरम को 174-1 के अनुसार आप देख सकते हो। कैसे, आइए चेक करना बताता हूं। देखेगा ये एनालिसिस है, बस समझ लो इसी के लिए तुम पोपली के पास आते हो। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टर है 10, डायरेक्टर प्रेजेंट हुए हैं बोर्ड मीटिंग में 3, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोई नहीं है। अच्छा, सबसे पहले चेक करना क्या 174-3 अट्रैक्ट हो रहा है, नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही नहीं है, सिंस नो इंटरेस्टेड डायरेक्टर। ठीक है,
तो अब कोरम कैसे होगी, 174 वन के अनुसार होगी, तो कोरम कितनी हो गई, वन थर्ड ऑफ टेन, चार और दो, दस, कोरम कितनी हो गई, चार, आए कितने हैं, तीन, तो क्या कोरम है, नहीं है, समझ गए, कोरम है, नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस, दस डायरेक्टर है, टोटल कितने डायरेक्टर हैं, दस, बोर्ड मीटिंग में कितने आए, बोर्ड मीटिंग में आए हैं चार, अच्छा, फिर इंटरेस्टेड डायरेक्टर नहीं है, तो फिर 173 नॉट एप्लीकेबल, तो कोरम 174 वन के अनुसार गिनी जाएगी, तो फिर वन थर्ड ऑफ टेन, चार और दो, विच एवर इज हायर, तो यानी कि चार कोरम रिक्वायर्ड हो गई, आए कितने हैं, चार, तो कोरम है, जी है, आए कितने हैं, चार, तो यानी कि कोरम है, यस है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर है दस, मीटिंग में आए सात, पांच इंटरेस्टेड है, हे भगवान, ये पांच कौन से हैं जो मीटिंग में आए, जो घर बैठे हैं, नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर अंडर सेक्शन 184, आउट ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट, इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होता है, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो कैसे पता लगता है, 184 में सीखेंगे ये बात, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़िएगा, कहता है दस डायरेक्टर हैं, सात आए हैं, सात में से पांच कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, इंटरेस्टेड है, हे भगवान। अब सबसे पहले चेक करना 174(3) अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं, मैंने कहा जी 174(3) अट्रैक्ट तब होगा जब टोटल स्ट्रेंथ का टू थर्ड, टोटल स्ट्रेंथ है 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3rd इज इक्वल टू 7 इंटरेस्टेड हुए, ये तो 5 है, नहीं लग रहा, तो कोरम कैसे गिनी जाएगी, 174 1 के अनुसार, कोरम कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ 10 इंटू 1/3, 4 और 2, विच एवर इज हायर, यानी कि 4, आपके कितने आए हैं डायरेक्टर, मैंने कहा जी 7 आए हैं, ना 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 ना, ना मेरे लाल, आपने पढ़ा होगा क्या 167 में, 167 में मैंने कहा था कि डायरेक्टर को वेकेट करना पड़ेगा अगर उसने 184 का पालन नहीं किया और पार्टिसिपेट कर लिया मीटिंग में, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो आप मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब पार्टिसिपेट मतलब ना तो आप वोटिंग कर सकते हो ना कोरम में काउंट करवा सकते हो अपने आप को, समझ आया, तो इसका मतलब ये पांच तो माइनस कर लो ना, ये पांच माइनस किए तो फिर सात में से पांच गए, तो मीटिंग में कितने बचे, दो, ये बड़ा भयंकर और प्यारा सवाल है, दोनों भयंकर भी है प्यारा भी है, चाहिए कितने थे, चार हैं, कितने, दो, मीटिंग कोरम एब्सेंट है, कोरम एब्सेंट है, समझ गए बात, चलिए आगे, फिर कहता है 10, 9, 6, अच्छा पहले चेक करो 174(3) एप्लीकेबल है, नहीं, क्योंकि 6 हैं, 7 होंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद 174 1 के अनुसार कोरम देखी जाएगी, अच्छा फिर 4 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब 4, अब हैं कितने, 9 - 6 = 3, कोरम है, कोरम इज एब्सेंट। अब आते हैं 174(3), अब यहां पेज फंसा, क्या 174(3) लग रहा है, यस लग रहा है, तो फिर नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर देख लो, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं, 2, तो ये कोरम है, 2 से नीचे नहीं होना चाहिए बस किसी भी हालत में, तो बस ये कोरम है क्योंकि 174(3) लग गया यहां पर, कोई 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ वगैरह नहीं लगेगा अब यहां पर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस 10, 9, 8, ओके 8 है, तो यानी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर लग गए, 174(3) लग गया, तो नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हो, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हो गए, 1, हे मा मत जे, ओहो अब क्या होगा, 1 डायरेक्टर डिसइंटरेस्टेड है, जबकि होने कितने चाहिए, कम से कम 2, तो यहां तो 1 है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो जी लॉ कहता है 174(4) के अंदर, आगे चलते हैं 174 में, 174(4) कहां गया, लो जी कहता है जी अगर मान लीजिए बोर्ड मीटिंग में कोरम नहीं बैठ पाती है किसी रीजन से, तो फिर क्या होगा, तो फिर एस प्रोविजंस जो कि आर्टिकल में लिखे हैं वो अप्लाई हो जाएंगे, या फिर मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा सेम डे सेम टाइम सेम लोकेशन नेक्स्ट वीक में, और अगर वो डे जो है नेशनल हॉलीडे हुआ तो फिर उसके अगले दिन के लिए, अगर मीटिंग में कोरम नहीं हो पाई तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे केस में 174(4) लग जाएगा, 174(4) लग जाएगा, क्यों, क्योंकि डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर 1 है, कोरम नहीं बन पाई अगर, तो फिर मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा, अब एडजर्न मीटिंग कब होगी, अगले हफ्ते होगी, तो 174(4) लग जाएगा, मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा, ठीक है ना,
लो जी आगे, परंतु अब मैं केस नंबर 7 पे आता हूं। 10 10 9 ओके अच्छा 174(3) लग गया, ठीक है कोरम 174(3) के अनुसार गिनी जाएगी। नंबर ऑफ डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने रहे, 10 - 9 = 1 10 - 9 = 1 क्या कोरम है, नहीं है, तो क्या मैं कह सकता हूं मीटिंग को एडजर्न कर दो नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम सेम लोकेशन, लगता तो यही है बट मत करना, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये वाले केस में और इस केस में फर्क है। वो क्या, यहां पर अगर आप मीटिंग को एडजर्न करते हो तो पॉसिबल है कि अगली बोर्ड मीटिंग में कोरम बन जाए। कैसे बन जाए, क्योंकि 10 10 में से 9 आए थे, 8 इंटरेस्टेड थे, अगर अगली मीटिंग में एडजर्न्ड में 10 में से 10 आ गए और यही 8 इंटरेस्टेड हुए तो फिर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर की कोरम बन सकती है, इसलिए मीटिंग को एडजर्न कर देना चाहिए। परंतु ये 7th केस में अगर मान लीजिए मीटिंग को एडजर्न करता हूं तो फिर 10 के डायरेक्टर ने 10 में से 10 से ज्यादा तो आ नहीं सकते, तो किसी भी हालत में कोरम बन ही नहीं सकती, 174(3) के अनुसार कोरम बन ही नहीं सकती, तो यहां पर मीटिंग को एडजर्न करने का कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तो अब सवाल उठा फिर इसका हो करना क्या चाहिए हमें, अगर लॉ कहता है कि ऐसा पेच फंस गया कि भाई अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ डायरेक्टर पड़ी कम गए हैं, बन ही नहीं रही कोरम, तो फिर अब आपके पास दो ऑप्शन है। वो क्या, पहला आइए 174(2) पे आ जाइएगा। 174(2) कहता है कि अगर नहीं बन पा रही है कोरम तो जो बाकी के कंटिन्यूइंग डायरेक्टर हैं चाहे वो कोरम से नीचे ही क्यों ना हो वो क्या कर सकते हैं, या तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कोरम बढ़ा सकते हैं। मतलब डायरेक्टर्स कैसे बढ़ाएंगे, एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करके जो कि डिसइंटरेस्टेड हो, और या फिर ये मुद्दा जनरल मीटिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ आई बात, तो ये है 174 सबसेक्शन 2। तो ये इसका जन्म किस लिए हुआ है, इस परिस्थिति के लिए जो हमने अभी परिस्थिति देखी है, जो हमने सिचुएशन देखी है, ये वाली ये सिचुएशन के लिए जहां पर एडजर्न करने के बाद भी कोरम नहीं बनेगी ये कंफर्म नजर आ रहा है, तो फिर 174(2) के अंदर दो ऑप्शन है, या तो एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करो या फिर इस मुद्दे को जनरल मीटिंग में भेज दो। सेम इज द केस विद लास्ट सिचुएशन एज वेल। हाँ जी 10 10 10 174(3) लग गया, कोरम है ही नहीं, सारे इंटरेस्टेड हैं, तो फिर या तो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करो और या फिर जनरल मीटिंग में इस मुद्दे को भेज दो, बस दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमने दो भी देखे 174, हमने दोनों तरीके से कोरम देख ली, 174(1) में भी, 174(3) में भी, और 174(2) का जन्म भी क्यों हुआ देख लिया, और 174(4) यानी कि एडजर्नमेंट का जन्म क्यों हुआ ये भी देख लिया। अब एक केस लॉ ऊपर से रह गया है, आएगा इस केस लॉ पर, क्या कहता है, अचिंत्य कुमार बरुआ वर्सेस रंजीत भरतपुर, ये क्या कहता है कहता है जी क्या हुआ है कि एक डायरेक्टर ने कंपनी को नोटिस दिया कि मैं ना ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता हूँ, चेयरपर्सन साहब को नोटिस दिया, चेयरपर्सन ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं करने देंगे क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है हमारे, और कहीं मीटिंग का लीकेज ना हो जाए तो इसलिए हम ये मीटिंग आपको इस तरीके से अटेंड नहीं करने देंगे। लॉ कहता है बेटा ऐसा है, हमने पूछा नहीं है, हमने बताया है कि भैया डायरेक्टर को मीटिंग अटेंड करने दो, हमने ये तुम्हें बता दिया है, तुम ये जो सिक्योरिटी रीजंस के बहाने हैं ना, ये सिक्योरिटी रीजंस के बहानों का तेल निकलवाओ, हमें मतलब वी हैव नथिंग टू डू विद दिस, बट डायरेक्टर का अधिकार है कि मीटिंग अटेंड कर सकता है तो कर सकता है, चाहे जैसे मर्जी अब अरेंज करो अपने इक्विपमेंट्स को, यानी कि एनसीएलटी का डिसीजन है विच गिव राइट टू द डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज मैंडेटरी एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द कंपनी इवन बाय कंटेंडिंग द सिक्योरिटी रीजंस। ठीक है, और आगे बढ़े, 174(4) भी हो गया, फिर उसके बाद हाँ जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक एग्जम्पशन है यहाँ पर। वो क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देता है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि अगर वो कोरम में भी काउंट हो सकता है, वोटिंग भी कर सकता है। कौन, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर अगर वो डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट कर देता है, बात समझ आ रही है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ये एग्जम्पशन है। शर्त यही है कि 137
और 92 का कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए तब ये एग्जम्पशन है. तो यानी कि इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी व्हिच हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न द प्रोविजन ऑफ 174(3) शैल अप्लाई विद द एक्सेप्शन दैट इंटरेस्टेड डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट. ठीक है, आगे आते हैं. प्रोविजंस ऑफ 174 रिलेटिंग टू कोरम आर नॉट एप्लीकेबल टू सच वन पर्सन कंपनी विच हैज ओनली वन डायरेक्टर एट इट्स बोर्ड. भाई अगर कंपनी का एक ही डायरेक्टर है तो वहां कोरम का कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं, 174 लगेगा ही नहीं. ठीक है, आईएफएससी कंपनीज में भी बिल्कुल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही कंडीशन है. वो कहता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ देयर इंटरेस्ट. बस कोई दिक्कत नहीं है आईएफएससी कंपनीज में भी. फिर हमारे पास आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक केस है जो क्या कहता है आइएगा पढ़ना शुरू करते हैं इस केस को कि ये क्या कहता है जी. अब इस केस में घटना क्या घटी कि हुए क्या कि पहले ना तीन डायरेक्टर हुआ करते थे. अच्छा, तीन में से एक डायरेक्टर की हो गई डेथ. अब एक की डेथ हुई और दूसरे ने पकड़ के कर दिया रिजाइन. एक की डेथ हो गई, एक का रिजाइन हो गया, अब बचा था एक डायरेक्टर. तो एक ने दूसरे जिसको रिजाइन किया था उसे कहा कि भाई तू तो जा रहा है मेरी जिंदगी क्यों झंड कर रहा है, कंपनी बंद हो रही है, तो कम कर अपना रिजाइन वापस ले ले, बोर्ड मीटिंग में आ जा, नए डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, फिर तू चला जाइए. उसने कहा दोस्ती के नाते कोई दिक्कत नहीं है. उस बंदे ने रिजाइन वापस लिया, बोर्ड मीटिंग हुई, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए और फिर उसने कहा जी अब चलते हैं. लॉ ने कहा भाई ये रिजाइन वापस लेना मतलब क्या है, ये क्या हुआ, रेजिग्नेशन तो इफेक्टिव हो चुका है और कंपनी के बोर्ड पर अब एक ही डायरेक्टर है. तो जब एक डायरेक्टर है तो फिर एक डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर नहीं सकता. ठीक है ना, तो क्योंकि बोर्ड बचा ही नहीं, एक ही डायरेक्टर कैसे अटेंड करेगा. तो इसलिए बड़ी सीधी सी बात है कि रिजाइन करने के बाद रिजाइन वापस लेकर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करवाना ये गलत है. यानी कि वेदर विद द रेजिग्नेशन ऑफ R5 एज अ डायरेक्टर, ये वाला पैरा पूरा पढ़ना. द 3 पर्सन कॉन्स्टिट्यूटेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन ऑफ द डायरेक्टर डाइड, अनदर डायरेक्टर R5 सबमिट रेजिग्नेशन फ्रॉम द डायरेक्टरशिप एंड दस ओनली वन डायरेक्टर वाज लेफ्ट. अब इस डायरेक्टर ने वापस ले लिया रेजिग्नेशन ताकि मीटिंग अटेंड की जा सके. तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, the meeting of the board of director could not be said to be validly held and thus the appointment of new director in said meeting was also invalid. bataiye ji koi bhi dikkat. theek hai chaliye ab haan ji. यहाँ पर हमारे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सिचुएशन आती है. जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो डायरेक्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दे देन दे कैन पार्टिसिपेट. चलिए यहाँ पर हुआ क्या, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन विद रिलेशन टू एजेंडा इन द बोर्ड मीटिंग. टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द डायरेक्टर कितनी है, 10. डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में कितने आए, 10. नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं, 9. तो फिर अब बताइए एजेंडा कैसे बनेगा. पहली बात तो 174(3) एप्लीकेबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. तो कोरम 174(3) के अनुसार देखी जानी चाहिए, यस. तो फिर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हुए, देखो जी अभी तो वैसे बचा था एक, यानी कि एक था, बट फिर कहता है D1 एंड D5 हु आर इंटरेस्टेड हैव डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट इन द मीटिंग बट स्टिल वांट अ पार्टिसिपेशन डिस्कस द वैलिडिटी. तो ये दो और जुड़ गए तो फिर कितने हो गए, एक और दो, तीन. टोटल तीन हो गए अब. तो यानी कि डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं, 3 हो गए, D1, D5 एंड अदर डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर आउट ऑफ 10. ठीक है, तो कोरम है, बिल्कुल है. अगला, अब आते हैं हम सेक्शन 175 पर जो बात करता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन की. हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि बोर्ड अपना डिसीजन दो तरीके से ले सकता है, एक होता है बोर्ड मीटिंग के अंदर और दूसरा होता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है कि शायद इंटर में आपने पोस्टल बैलेट पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही होता है. फॉर एग्जांपल, जहां मीटिंग की जरूरत नहीं होती, मीटिंग में आने की जरूरत नहीं होती, आप घर बैठे बैठे ही वोट कर सकते हो. ठीक है जी, तो 175 में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है देखते हैं. हमने कहा जी बोर्ड अपना डिसीजन दो तरीके से ले सकता है, एक बोर्ड मीटिंग के अंदर और एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के द्वारा भी. अच्छा, फिर लॉ क्या कहता है इस बारे में, कहता कोई भी रेजोल्यूशन shall be deemed to have been duly passed by the board or by the committee thereof. यानी कि ना केवल मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ बल्कि मैं किसी कमिटी की भी बात कर रहा हूँ बोर्ड की. तो
तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास होना चाहिए तो माना जाएगा कि हो गया है इफ द रेजोल्यूशन हैज बीन सर्कुलेटेड इन ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर टू ऑल द डायरेक्टर्स और मेंबर ऑफ द कमिटी एट द रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया। यानी कि सबसे पहले रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को सभी डायरेक्टर्स को आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा और कमिटी की मीटिंग के लिए सभी मेंबर्स ऑफ द कमिटी लाइक रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, ऑडिट कमिटी, ये सब अभी आने वाली हैं। तो इन कमिटी की मीटिंग के लिए अगर बात कर रहा हूं तो सभी के सभी डायरेक्टर्स को या इनके मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा। सर्कुलेट कैसे कर सकते हैं? हैंड डिलीवरी के थ्रू भी, पोस्ट के थ्रू भी, कुरियर के थ्रू भी या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड इसे अप्रूव किया जाना चाहिए बाय द मेजॉरिटी हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन सच रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कब अप्रूव मानेगा, कब अप्रूव माना जाएगा? जब इसको मेजॉरिटी अप्रूव कर देगी। मेजॉरिटी किन में से? हु आर एंटाइटल्ड टू वोट ऑन सच रेजोल्यूशन एंड हु इज द डायरेक्टर हु इज नॉट एंटाइटल्ड? द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड। The person who is interested is not entitled to vote and other disinterested are termed as entitled to vote. पहले इतने से पैरा का interpretation समझ के चलते हैं। ये छोटा पैकेट है, तबाही मचाएगा, देखना कैसे, देखते हैं। केस नंबर वन, टोटल डायरेक्टर कितने हैं? 10। नंबर ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट कितने हैं? 10। यानी कि कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा डायरेक्टर। फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अभी देखते हैं। कहता है जी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास कब माना जाएगा? अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट कितने हैं? 10। ये देखना है आपने, 10 में से मेजॉरिटी मतलब 6 अगर आ जाएं फेवर में, तो अगेंस्ट में 4 आ जाएं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, टोटल डायरेक्टर है 10, नंबर ऑफ डायरेक्टर एंटाइटल्ड टू वोट कितने हैं? 10। अब एब्सटेंड कितने हुए? 3। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? मुझे ये नंबर देखना है एंटाइटल्ड टू वोट, इसमें से मेजॉरिटी देखनी है, तो यानी कि 6। अब मुझे बताओ कितना मैं अगेंस्ट में अफोर्ड कर सकता हूं? मुझे 6 फेवर में चाहिए, 10 वोट डालेंगे, 10 में से 3 एब्सटेंड रहने वाले हैं, 10 एंटाइटल्ड टू वोट हैं, एंटाइटल में से 3 एब्सटेंड रहने वाले हैं, तो यानी कि 3 एब्सटेंड रहने वाले हैं तो रहेगा 7। तो मतलब 6 तो मुझे फेवर में चाहिए, तो मैक्सिमम अगेंस्ट में कितना अफोर्ड कर सकता हूं? केवल 1। मैक्सिमम अगेंस्ट में मैं केवल 1 अफोर्ड कर सकता हूं, मुझे तो 6 फेवर में चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। 3, सिचुएशन नंबर 3, 10 डायरेक्टर हैं, एंटाइटल्ड टू वोट हो गए 9, यानी कि 1 इंटरेस्टेड हुआ, फिर कोई भी एब्सेंट नहीं है, मुझे इसमें से मेजॉरिटी ला दो, बने 5, 9 एंटाइटल्ड हैं, एब्सेंट रहेंगे, कोई भी एब्सेंट नहीं है, तो मैं 4 जो है मैक्सिमम अगेंस्ट में अफोर्ड कर सकता हूं। अब आगे आएगा, ये सिचुएशन लास्ट है। हाँ जी, 10, 9, 3, मुझे इसमें से मेजॉरिटी ला दो, इतने मुझे फेवर में चाहिए, 9 में से 3 वोट नहीं करने वाले, तो यानी कि वोट कितने करने वाले? 6 में से 5 तो आ गए फेवर में, यानी कि मैक्सिमम अगेंस्ट में आप कितने अफोर्ड कर सकते हो? केवल एक। तो अब यानी कि आपके पास जब भी क्वेश्चन बनेगा तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा कि डिसाइड वेदर द रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हैज बीन पास्ड और नॉट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, ऐसे पूछेगा वो आपसे। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं? 10। 1 इंटरेस्टेड है, यानी कि एंटाइटल टू वोट कितने हो गए? 9। अच्छा, 3 डायरेक्टर एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग है, तो यानी कि 3 हो गए एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग हो गए। ठीक है, अब कहता जी अगेंस्ट में कास्ट कर दिया 2 लोगों ने, ओ माय गॉड, 9 में से मेजॉरिटी चाहिए थी, मतलब 5 चाहिए थे मुझे फेवर में, फिर 9 में से 3 गए, बचे 6, यानी कि 6 एक्चुअल में वोट करने वाले हैं, 5 अगर यहां आ जाएंगे तो 1 मैक्सिमम अगेंस्ट में हो सकता है। अब वो कहता है अगेंस्ट में 2 हैं, तो इसका मतलब फेवर में पूरे नहीं होंगे, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। समझ आया? ये पेज फंसाएगा आपको, तो ध्यान रख लेना यहां। तो वोट कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन 2, सीधा जैसे उसने 2 लिखा, कैलकुलेशन दिमाग में रखना, अगर कास्ट अगेंस्ट द रेजोल्यूशन 2 है तो इसका मतलब रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे बढ़े, आएगा इंटरप्रिटेशन पे। अभी पहले पैरा का इंटरप्रिटेशन निकाला था, अब दूसरे पे आते हैं। हाँ जी, फिर कहता है, रुको, कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर द टाइम बीइंग रिक्वायर्ड एट एनी रेजोल्यूशन अंडर द सर्कुलेशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग द चेयरपर्सन शैल पुट द रेजोल्यूशन टू बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड।
ला 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 ला। हाँ जी, अगर कम से कम वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर किसी भी वक्त, अगर कम से कम वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर कंपनी के डिमांड करते हैं कि ये रेजोल्यूशन जो है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के थ्रू पास नहीं होना चाहिए, इसे बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन के बाद ही पास होना चाहिए, तो चेयरपर्सन आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी और उसको फिर बोर्ड मीटिंग के अंदर ही इस रेजोल्यूशन को लाना पड़ेगा। अब इस पे एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, वो मैं बताता हूं आपको कहां गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, पढ़िएगा। कहते हैं देयर आर 7 डायरेक्टर इन द BUI लिमिटेड, अ रेजोल्यूशन रिलेटिंग टू ओपनिंग ऑफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी इन अ प्लेस आउटसाइड द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन द ड्राफ्ट टुगेदर विद द नेसेसरी पेपर वर सर्कुलेटेड अमंग द डायरेक्टर्स सीकिंग अप्रूवल फॉर द सर्कुलेशन। द 4 डायरेक्टर फ्रॉम अमंग द टोटल 7 डायरेक्टर अप्रूव्ड द प्रपोजल, 4 डायरेक्टर्स ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। 3 डायरेक्टर हु डिड नॉट अप्रूव द प्रपोजल, 3 ने अप्रूव नहीं किया था, अपोज द वैलिडिटी ऑफ द प्रपोजल ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, दैट द रेजोल्यूशन वाज सर्कुलेटेड बाय ईमेल एंड नॉट बाय द हैंड डिलीवरी और पोस्ट और कुरियर एज पर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 175। ये तो गलत बात है ना भाई, रेजोल्यूशन वाज सर्कुलेटेड बाय ईमेल एंड नॉट बाय द हैंड डिलीवरी और पोस्ट। तो भैया हमने तो देखा है कि ये जो ईमेल वगैरह के थ्रू भी तो सर्कुलेट हो सकता है ना। यस। सेकेंडली दैट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर नाउ रिक्वायर दैट रेजोल्यूशन मस्ट बी डिसाइडेड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड नॉट बाय सर्कुलेशन। भाई साहब एक बात बताओ, वर्ड जानबूझ के इसने ऐड किया, कहता नाउ रिक्वायर, आज की डेट में वो चाहते हैं कि इसे बोर्ड मीटिंग में कंसिडर किया जाए। आज क्या डेट है भैया? आज वो डेट है जब 4 डायरेक्टर 7 में से अप्रूव कर चुके हैं। देखो अगर 1/3 डायरेक्टर ये चाहते हैं कि अगर इस रेजोल्यूशन को बोर्ड मीटिंग में लाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा करेंगे, बट आप ये तब चाहते हो जब बाकी डायरेक्टर्स की कंसेंट अभी ना मिली हो। परंतु अगर बाकी डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट या अपनी अप्रूवल दे चुके हैं और रेजोल्यूशन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, उसके बाद 1/3 का ये कहना, कि नहीं नहीं इसे बोर्ड मीटिंग में लाओ, ये बात नहीं सुनी जाएगी। यानी कि अगर रेजोल्यूशन अप्रूव करने से पहले 1/3 कह दें कि इसे बोर्ड मीटिंग में लाओ तो सुन लिया जाएगा, बट रेजोल्यूशन अप्रूव्ड होने के बाद अगर वो कहें इसे बोर्ड मीटिंग में लाओ तो ये बात नहीं सुनी जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट कराना था मुझे मेन, ये समझ गए? चलिए बाकी अगला वाला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा खत्म हुआ 175। उसके बाद हम आते हैं 176 पर, डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट द एक्शंस टेकन। अब मान लीजिए हुआ क्या, मैं साउथ इंडिया का एक बहुत खतरनाक, मान लीजिए कोई वो गुंडा टाइप हूँ, मुझे 7 राज्यों की पुलिस देख रही है, ढूंढ रही है। मैं अचानक दिल्ली में आया और मैंने कंपनी में अप्लाई किया, मैंने कहा जी मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे अंडरटेकिंग ली कि कसम खाओ कि आपका कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने कहा कसम से डिस्क्वालिफिकेशन और मैं हो ही नहीं सकता भाई। मैं कंपनी का डायरेक्टर बन गया। 6 महीने बाद किसी ने मुझे पहचान लिया कि ओह ये तो साउथ इंडिया का अन्ना है, ओ माई गॉड। तो फिर आप बताइए, 6 महीने तक मैं बोर्ड मीटिंग का पार्ट रहा, मैंने कई रेजोल्यूशन पास करवाए, तो वो सारे रेजोल्यूशन वैलिड होंगे या इनवैलिड? लॉ कहता है वैलिड होंगे। शर्त यह है, एक बात बता दे बस, क्या कंपनी को तेरी डिस्क्वालिफिकेशन का पता था? नहीं पता था, वैलिड होंगे। अगर कंपनी को पता होता फिर भी कंपनी तुझे चलाती तो इनवैलिड होते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस यही लिखा है। यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन क्या था कि कंसिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर कोई डायरेक्टर एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए और अपॉइंटमेंट हो जाता है उसका, तो लॉ कहता है हैंग ऑन कि नो एक्ट डन बाय अ पर्सन एज अ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड वेयर इट वाज सब्सिक्वेंटली नोटिस्ड कि उसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था क्योंकि उसके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट था या फिर डिस्क्वालिफिकेशन थी। ठीक है, तो यानी कि कोई भी हरकत जो उसने किया वो वैलिड नहीं होगी, और अगर चाहे बेशक डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट या डिस्क्वालिफिकेशन होगी, बट कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू गिव वैलिडिटी टू एनी एक्ट डन बाय द डायरेक्टर आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट हैज बीन नोटिस्ड बाय द कंपनी टू बी इनवैलिड। यानी कि अगर कंपनी को ये पता लग गया कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, बावजूद इसके कंपनी तुम्हें हटा नहीं रही, अभी भी तुम्हें मीटिंग में बिठा रही है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? पड़ेगा
कहता है ए लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय पासिंग ऑफ अ सिंगल रेजोल्यूशन फॉर द इलेक्शन ऑफ दीज टू. लेटर ऑन इट केम टू द नोटिस ऑफ द कंपनी दैट देयर माइट बी सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द कंप्लायंस ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजन. कंपनी ने सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू दो डायरेक्टर का अपॉइंट किया है. अब ये तो लिखा नहीं कि 162 का कंप्लायंस किया कि नहीं, क्योंकि एक सिंगल रेजोल्यूशन के थ्रू एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए पहले आपको मेंबर से अप्रूवल चाहिए होती है, वो तो आपने लिखी नहीं. तो फिर इसका मतलब 162 कंप्लाय नहीं हुआ होगा, तो यानी कि डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट है. और डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट है तो अब क्या होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी डायरेक्टर्स ने किया वो वैलिड रहेगा? यस, क्योंकि जब तक डिफेक्ट जो है कंपनी को बताना दिया जाए. हालांकि कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया, कंपनी को अकल होनी चाहिए, बट फिर भी अगर कंपनी से नॉन कंप्लायंस हुआ, डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट हुआ, तो कंपनी को मैं पहले गुड फेथ का बेनिफिट दे रहा हूं. इसका मतलब जो भी डायरेक्टर ने काम किए होंगे उस टेन्योर में, वो सबको वैलिड बना रहा हूं. फिर आता है मेरा अगला सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 177 ऑडिट कमेटी. ये क्या कहता है, पहले बताता है कि ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट कहां कहां पर है. याद करो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन कहां कहां थी, बिल्कुल डिप्टो ये लग रहा है. पहली बात, लिस्टेड पब्लिक कंपनी और बाकी बची पब्लिक कंपनी जिनके पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 50 करोड़ से ज्यादा है, वहां ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. ठीक है, बिल्कुल सेम एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है. फिर अगर ये किसी भी वक्त तीनों कंडीशन 3 साल तक पूरी ना हो पाई तो ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. यानी कि यही हमने वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ा था. बिल्कुल भाई, अच्छा ये जो भी फिगर्स लेनी है, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल हो, चाहे आउटस्टैंडिंग लोन वगैरह हो, कब की लेनी है, लास्ट ऑडिटेड की लेनी है. फिर उसके बाद कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें ऑडिट कमेटी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. याद करो वहां पे क्या किया था, जॉइंट वेंचर, होली सब्सिडरी, डोरमेंट कंपनीज, तो इन सबको अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है, कहता है जी ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन कितना है. मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए ऑडिट कमेटी के अंदर, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजॉरिटी में रहेंगे. बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत सेक्शन 8 कंपनी में यहाँ नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड 137 और 92 का कोई नॉन कंप्लायंस ना हुआ हो. तो ध्यान रखना कम से कम 3 डायरेक्टर विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेजॉरिटी रहने चाहिए. अच्छा फिर उसके बाद मेजॉरिटी मेंबर जो ऑडिट कमेटी के होंगे, दे शैल बी वेल वर्स्ड, मतलब उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की अकल होनी चाहिए. फिर उसके बाद ऑडिट कमेटी किसको रिपोर्ट करती है, ऑडिट कमेटी रिपोर्ट करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ठीक है, आगे ऑडिट कमेटी का रोल क्या है. पहला रोल, रिव्यू एंड मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिटर. दूसरा, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. ऑडिटर की रिपोर्ट भी सबसे पहले इसके पास आएगी. फिर बोर्ड ऑडिटर का रिकमेंडेशन भी यही करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसी की रिकमेंडेशन को मेंबर्स के पास भेजता है. तो फिर रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स ऑफ द ऑडिटर. फिर जितने भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लोन चल रहे हैं, उन सबकी स्क्रूटनी करने का काम भी इसी का है. फिर मॉनिटरिंग, अगर पब्लिक ऑफर में जो फंड रेस किया आपने पब्लिक इशू में, तो फिर उस फंड क्या एंड यूज कहां हो रहा है, ये देखना भी इसी का काम है. फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ध्यान रखना कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो 100% रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल के लिए इसके पास आएंगी. और अगर उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन होता है टर्म्स एंड कंडीशन में, तो वो भी अप्रूवल पहले यही करेगी. यानी कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, सारी की सारी इसकी शरण में आएंगी, ऑडिट कमेटी की शरण में आएंगी. सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ये, इसका ध्यान रखना. उसके बाद ऑडिट कमेटी क्या कर सकते हो, आप ऑडिटर का रिपोर्ट मंगवा सकते हो. किस चीज पे, कि बताइए हमारी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल पे आपका क्या कमेंट है, एंड आप ऑडिट में क्या क्या कवर करने वाले हो, स्कोप ऑफ ऑडिट कौन कौन से एरिया कवर करने वाले हो, कौन सी ब्रांचेस कवर करोगे, एंड बोर्ड से पहले एक बार हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करा लेना. फिर जब ये ऑडिटर और केएमपी जो है ना, वो ऑडिट कमेटी की मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं, बट दे हैव नो राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कमेटी. ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए, पहली बात तो बोर्ड ऑडिट कमेटी का पूरा डिस्क्लोजर करेगा कि हाँ जी हमारी ऑडिट कमेटी में ये आता है. मैंने कहा जी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ऑडिट कमेटी करेगी बोर्ड को, और बोर्ड उसे मेंबर्स के पास ले जाएगा. परंतु ऑडिट कमेटी और बोर्ड अगर डिसएग्री करते हैं किसी नाम पर, तो फिर ऑडिट कमेटी क्या करेगी,
फिर सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, अपना नाम रिकमेंड कर देगा जो वो अपॉइंट करना चाहता है जैसे ऑडिटर, बट ये जरूर लिखेगा कि हमारा और ऑडिट कमेटी का क्लैश है इस बारे में, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी डायरेक्टर को लेकर, तो ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रिवेल होगा, बट ये फैक्ट डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कहां पर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। आगे 177 के साथ में अगर मैं 188 जो मैंने नहीं किया है अगर उसको साथ में पढ़ूं, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात करता है, तो 188 में हम पढ़ेंगे कि जब भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है, परंतु कुछ केसेस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, तो वहां पर बोर्ड या फिर ऑर्डिनरी पास होगा, मगर 177 जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं कि हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए पहली बात क्या है, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल ली जाएगी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन लगेगी, 188 के अंदर जाकर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आते हैं 177 पे जो कहता है ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस का मतलब क्या होता है, ओमनीबस का मतलब होता है बल्क अप्रूवल, कौन सी बल्क में अप्रूवल, ठीक है। तो क्या कहता है, कहता है जी सभी के सभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जिनको ऑडिट कमेटी की जरूरत है, अप्रूवल की जरूरत है, तो आप सोचो ना बार बार आपकी रामलाल नाम के जो आपके मम्मे का लड़का है या चाचे का लड़का है जो आपकी रिलेटेड पार्टी, आप बार बार उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और बार बार ऑडिट कमेटी की मीटिंग हो रही है, महीने में 4 ट्रांजैक्शन हो रही है, 4 मीटिंग हो रही है, तो बोर्ड तो ऑडिट कमेटी ऐसा नहीं कर सकती कि हम एक ही बार पूरे साल की अप्रूवल दे देते हैं। यस, इसे कहते हैं ओमनीबस अप्रूवल, ठीक है। तो यानी कि ऑडिट कमेटी में प्रोवाइड द ओमनीबस अप्रूवल। अच्छा, ओमनीबस अप्रूवल के लिए ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, टू प्रोवाइड द क्राइटेरिया बता देगी कि ओमनीबस हम कब कब देंगे, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन बता दी जाएगी कि हम ओवरऑल अप्रूव करते हैं 50 करोड़ तक की ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्राइटेरिया बता दिया ओवरऑल पूरे साल में 50 करोड़, एक बार में 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो मैं ये तो मैंने वैसे ही बताया नंबर, मतलब इंडिविजुअली भी लिमिट बता सकती है, एग्रीगेट में भी लिमिट बता सकती है। फिर ऑडिट कमेटी कह देती है, कह सकती है कि उसके पास अगर लाना है तो इस फॉर्मेट के अंदर लाना, अप्रूवल के लिए इस डिस्क्लोजर इस तरीके से करना, मतलब इस तरीके से रिक्वेस्ट लेटर ऑडिट कमेटी के पास लाना। फिर ऑडिट कमेटी जो पिछली रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुई है उनका रिव्यू भी कर सकती है। उसके बाद ऑडिट कमेटी खुद डिसाइड कर लेगी कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिन पे हम ओमनीबस नहीं देंगे, मतलब इन ट्रांजैक्शंस के लिए तो हम इंडिविजुअली ही मिलेंगे, कुछ रिलेटेड पार्टी ऐसी हो सकती है जिनके लिए कहेंगे कि हम इंडिविजुअली मिलेंगे। तो ध्यान रखना क्या रहेगा कोड, वैल्यू ऑफ डीआरटी, डीआरटी मतलब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, तो वैल्यू ऑफ डीआरटी याद रखना, इस कोड को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी ओमनीबस अप्रूवल देते हुए इन चीजों का ध्यान रखेगी। फिर ओमनीबस अप्रूवल जब दी जाएगी तो उसके अंदर नैनो का ध्यान रखा जाएगा, नैनो मतलब कौन सी रिलेटेड पार्टी है जिसकी आपने ओमनीबस दी है, कितने अमाउंट की अप्रूवल दी है आपने, किस तरीके की ट्रांजेक्शन होंगी, कंप्यूटर बिकेंगे या कपड़े बिकेंगे या फिर अदर इंफॉर्मेशन जो भी ऑडिट कमेटी को जरूरत लगेगी, तो नैनो, ठीक है जी। और आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट, अगर मान लीजिए किसी पार्टी से आज तक कोई भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड पिछला नहीं रहा है किसी भी पार्टी से, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फोरसीन नहीं है क्योंकि पिछले का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर ओमनीबस अप्रूवल दी जा सकती है। यस, सब्जेक्ट टू द वैल्यू पर ट्रांजैक्शन अप टू ₹1 करोड़, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए पर ट्रांजैक्शन वैल्यू तक की ओमनीबस दी जा सकती है। ओमनीबस वैलिड रहेगी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए और किसी भी हालत में सेल ऑफ अंडरटेकिंग के लिए, सेल ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के लिए नहीं दी जाएगी, ठीक है जी। IFSC पब्लिक कंपनीज के ऊपर सेक्शन 177 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उनको ऑडिट कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं है। फिर आता है हमारा अगला सेक्शन 177 के अंदर ही है, विजिल मैकेनिज्म, जिसे हम विसल ब्लोअर कहते हैं, मतलब ये वो व्यक्ति है जो कि कंपनी में अगर कोई गलत होते देख रहा है तो ये जोर जोर के सीटियां मार के सबको जगा देगा, ये चौकीदार है। तो फिर अब इसकी रक्षा करनी है हमें, क्यों, क्योंकि कब पता लगा किसी डायरेक्टर की चोरी के खिलाफ इसने आवाज उठाई, डायरेक्टर ने कान के नीचे लगा दिया, इसका डिमोशन कर दिया, तो इसको सुरक्षा कैसे दी गई, सुरक्षा ऐसे दी गई कि पहली बात कौन सी कंपनियों में 177 मैंडेटरी है, लिस्टेड कंपनियों में, इसके अलावा वो कंपनियां जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हैं वहां पर, या फिर हर वो कंपनी जिसकी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां पर विजिल मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट लगेगा।
विजिल मैकेनिज्म को संभालेगा कौन? देखो जी, दो सिचुएशन हो सकती है। अगर तो कंपनियों में ऑडिट कमिटी है, मतलब 177 में कवर्ड है, तो विजिल मैकेनिज्म ऑडिट कमिटी संभालती है। परंतु अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी का सेक्शन नहीं लग रहा है तो वहां ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद करते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। पर्पस क्या है? दो पर्पस है विजिल मैकेनिज्म के। पहला पर्पस क्या है कि भाई, पहली बात तो इसे सुरक्षा दी जा सके, यानी कि टू प्रोवाइड द एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन टू द एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो सीटी मार रहा है, और दूसरा कोई फालतू में सीटियां ना मारे, मतलब बार बार फालतू की कंप्लेन किया जा रहा हो, रामलाल चोर है, रामलाल चोर है, बार बार इन्वेस्टिगेशन होती है, रामलाल गंगा के समान पवित्र निकलता है, तो मतलब एक्शन लिया जा सके अगेंस्ट द फ्रिवलेस फालतू, फ्रिवलेस मतलब फालतू की कंप्लेन के खिलाफ। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है जी, कुछ अदर पॉइंट्स हैं। कहता है जी, इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन अदर देन द ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 188, मतलब इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन अदर देन द ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन 188 एंड वेयर द ऑडिट कमिटी डज नॉट अप्रूव द ट्रांजैक्शन, इट शैल मेक इट्स रिकमेंडेशन टू द बोर्ड। 188 में क्या आता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो क्या लिखा है? कहता है जी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को छोड़ दो, उनको छोड़ दो, बाकी सभी ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल बेशक ना चाहिए हो, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में तो हमने देख लिया कि ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। कहते हैं बाकी सभी ट्रांजैक्शन में ऑडिट कमेटी की अप्रूवल बेशक ना चाहिए हो, मगर रिकमेंडेशन जरूर देगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है, तो यानी कि अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप अगर मान लीजिए कंपनी की एसेट्स बेच रहे हो, तो पहले ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन जरूर ले लेना। यानी कि उन रिलेटेड पार्टी को छोड़ दो, बाकी हर जगह भी आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगी, अप्रूवल नहीं। ठीक है, फिर कहता है, मान लीजिए अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है इन्वॉल्विंग एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज एंटर्ड इनटू बाय द डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी, 1 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए ऑडिट कमेटी की अप्रूवल के बिना आपने कर ली, बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के। अच्छा, फिर कहता है कोई बात नहीं, ऑडिट कमेटी की अप्रूवल रेटिफिकेशन नेचर की विद इन 3 मंथ ले लेना। 3 महीने में रेटिफिकेशन भी नहीं लिया आपने ऑडिट कमेटी से, तो फिर ये ट्रांजैक्शन वॉइडेबल हो जाएगी एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। और अगर ये ट्रांजैक्शन डायरेक्टर या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव के साथ है, या फिर अप्रूव की है किसी और डायरेक्टर ने, मतलब इफ द ट्रांजैक्शन इज विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर, और जिसने इसे अप्रूव किया है, या फिर अगर रिलेटेड पार्टी ऑफ डायरेक्टर के साथ है तो उस डायरेक्टर को जिसको जिसकी रिलेटेड पार्टी है, या फिर अगर किसी ने भी इसे अप्रूव किया है और व्यक्ति ने जो डायरेक्टर है कंपनी का, उन सबको कहा जाएगा इंडेमनीफाई करो, लॉस करो, लॉस की भरपाई करो जो भी कंपनी ने इनकर किया लॉस। इसका मतलब सिंपल वर्जन में लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस होगी, उसको तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल के बिना आप कर ही नहीं सकते, बट 1 करोड़ रुपए तक वाली ट्रांजैक्शन में आप पहले कर सकते हो, मगर 3 महीने के अंदर अप्रूवल ले लेना। 3 महीने के अंदर अगर ऑडिट कमेटी से रेटिफिकेशन ना करवाया, ट्रांजैक्शन होने के बाद अप्रूवल मतलब रेटिफिकेशन, 3 महीने में रेटिफिकेशन ना करवाया, फिर क्या होगा? 3 महीने के अंदर रेटिफिकेशन ना करवाया तो वॉइडेबल हो जाएगा। साथ में हर वो डायरेक्टर जिसकी रिलेटेड पार्टी के साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर जिसने भी इसे अप्रूव किया है, वो कंपनी को होने वाले सारे लॉस की भरपाई करेंगे। ठीक है, चले, यानी कि 1 करोड़ से ऊपर तो बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के सोचना भी मत। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है, प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन अदर देन द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 188 बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी। क्या मतलब है, यहाँ पे देखिएगा। कहता है जी, क्या अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी रिक्वायर्ड है फॉर द ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी? मतलब होली ओन होल्डिंग कंपनी और होली ओन सब्सिडरी कंपनी के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही होगी, तो क्या आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी कंपनी? लिखा गया है, प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई, मतलब कोई ऑडिट कमेटी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, टू अ ट्रांजैक्शन अदर देन द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन 188। 188 में क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। 188 को छोड़ दो, बाकी किसी भी मुद्दे पर
अगर ट्रांजैक्शन होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी में हो रही है तो आपको ऑडिट कमेटी की अप्रूवल नहीं चाहिए, यही कहने का मतलब हुआ। आइएगा, कहता है ऑडिट कमेटी की अप्रूवल नहीं चाहिए अगर होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रही है वेयर द ट्रांजैक्शन इज कवर्ड अंडर 188, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, तो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, चाहे वो होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी में भी हो रही हो। परंतु अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अलावा है, कोई और ट्रांजैक्शन है, कोई भी और ट्रांजैक्शन है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में छह तरीके की ट्रांजैक्शन दी हुई है, 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ, वहां छह तरीके की ट्रांजैक्शन दी हुई है, उन छह के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हो रही है तो फिर ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए नहीं है, नहीं चाहिए, और अदरवाइज ऑडिट कमेटी की अप्रूवल चाहिए चाहिए अगर होल्डिंग और होली ओन सब्सिडरी कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो। ठीक है, आगे आते हैं, फिर आता है मेरे पास सेक्शन 178 जिसका नाम है नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। अब नाम से ही पता लग रहा है ये कमेटी क्या करती होगी, नॉमिनेट करने का काम करती होगी, किसके ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर, एंड उनकी रेमुनरेशन डिसाइड करने का भी काम करती होगी। ठीक है, तो ये सेक्शन कौन सी कंपनियों पे लगता है, हर वो कंपनी जो 177 में कवर है, यानी कि ऑडिट कमेटी जिनके ऊपर लगेगा उनके ऊपर 178 भी लगेगा। बट इसका कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना, वहां पे मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए थे, यहाँ पे मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए जिनमें से मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे ना एक चेंज कर देना यार, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है। वो क्या, ये लिखा है मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नहीं है यहाँ, विच मिनिमम 50% है, मिनिमम 50%, मेजॉरिटी का मतलब 50% से ऊपर है, मेजॉरिटी नहीं है, मिनिमम 50% है। ठीक है, तो यानी कि 6 हैं तो 6 में से 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। चेयरपर्सन जो है, जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो इस कमेटी का मेंबर तो बन सकता है बट इस कमेटी को चेयर नहीं कर सकता। ठीक है जी, अब ऑडिट कमेटी का रोल क्या है, मैंने कहा जी नाम से ही पता लग रहा है, नॉमिनेट करना एंड रेम्यूनरेशन के बारे में डिसाइड करना। तो पहला आइडेंटिफाई करना पर्सन जो कि डायरेक्टर या फिर सीनियर मैनेजमेंट के अंदर अपॉइंट हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा रिकमेंड करना बोर्ड को उनके अपॉइंटमेंट के लिए एंड उनके रिमूवल के लिए भी इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। तीसरा उनका इवेल्युएशन डिसाइड करना और उसके बेसिस पे उनकी रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, मतलब इवेल्युएशन ऑफ देयर परफॉर्मेंस करना। ठीक है जी, फिर कहता है जी रेम्यूनरेशन एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी को क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे वो क्वालिफिकेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह डिसाइड करेगी, यानी कि फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिफिकेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द डायरेक्टर, और इसके लिए वो बोर्ड को एक पॉलिसी भी बना के देगी रिलेटिंग टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर, केएमपी एंड अदर एम्प्लॉयज। ये काम भी किसका है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी का है। ठीक है जी, और आगे बढ़े, नेक्स्ट कहता है जी नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी जब पॉलिसी बना रही होगी, पॉलिसी बनाने की पावर कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि बोर्ड को एक पॉलिसी बना के देगी रेमुनरेशन से रिलेटेड। परंतु जब ये पॉलिसी बना रही होगी तो इस पॉलिसी को बनाते हुए 3 चीजों का ध्यान रखा जाएगा, क्या, रेमुनरेशन इतनी जरूर देना, इतनी जरूर देना कि वो रीजनेबल हो और सफिशियंट हो टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एंड मोटिवेट द डायरेक्टर्स। ठीक है जी, रेमुनरेशन को बेंचमार्क से, परफॉर्मेंस बेंचमार्क से जरूर जोड़ देना, यानी कि जो जितना ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको उतना ज्यादा रेमुनरेशन मिलेगी, यानी कि रिलेशनशिप ऑफ रेमुनरेशन टू द परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट द एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क, यानी कि जितना ज्यादा परफॉर्म करोगे सीनियोरिटी नहीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे रेमुनरेशन बढ़नी चाहिए। और तीसरा रेमुनरेशन को 2 एलिमेंट में डिवाइड कर देना, सीटीसी जिसे कहते हैं, उसके 2 पार्ट्स डिवाइड कर देना, एक होना चाहिए फिक्स्ड एलिमेंट यानी कि ये तो फिक्स्ड है, और दूसरा वेरिएबल एलिमेंट जो कि आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहता है ये पॉलिसी जो है ये वेबसाइट ऑफ द कंपनी पे भी डाली जाएगी, एंड साइलेंट फीचर ऑफ दिस पॉलिसी और इसके अंदर कोई भी चेंज होता है शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, तो ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी मेंशन किए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, चले एक बार दोबारा से नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी के रोल देखिएगा। पहला रोल क्या है, आइडेंटिफाई करना किसी भी व्यक्ति को सीनियर मैनेजमेंट या बोर्ड के लिए।
फिर आइडेंटिफाई करके रिकमेंड करना, फिर रिकमेंड करके उसकी उनका जो 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 डायरेक्टर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे उनका परफॉर्मेंस का इवेल्यूएशन करना। फिर उसके बाद नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन भी डिटरमाइन करेगी, और फिर उसके बाद पॉलिसी भी बनाएगी रेमुनरेशन को लेकर। जब वो ये वाली पॉलिसी बनाएगी तो उसे कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है कि इतनी रेमुनरेशन जरूर देना ताकि कोई आपके यहाँ टिका रहे। रेमुनरेशन को दो पार्ट्स में जरूर बांट देना, वो क्या, एक होता फिक्स्ड पे, एक होता वेरिएबल पे। फिर रेमुनरेशन और परफॉर्मेंस के बीच में क्लियर संबंध नजर आए कि जितना परफॉर्म करोगे उतना ज्यादा अच्छी रेमुनरेशन मिलेगी, ये पॉलिसी वेबसाइट के ऊपर भी आनी चाहिए। और इसके अलावा ये पॉलिसी जो है वो जब भी इसमें पॉलिसी वगैरह में चेंज वगैरह होगा या ये पॉलिसी बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर भी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद अपन लोग आते हैं 178 के अंदर ही है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कंपनी में स्टेक रखता है या फिर जिसका कंपनी में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, हित इन्वॉल्व होता है, वो स्टेक होल्डर कहलाता है। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मतलब हुआ ऐसी कमेटी जो इन स्टेक होल्डर के हितों की रक्षा करेगी, मतलब उनको कोई नुकसान ना हो रहा हो कंपनी की तरफ से, इसको इंश्योर करेगी। अच्छा, पहली बात, ये सेक्शन कहाँ कहाँ लगेगा, हर वो कंपनी जिसके कम से कम 1,000 शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिटर एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर है। अदर सिक्योरिटी होल्डर फॉर एग्जाम्पल ADR, GDR होल्डर, वर्ड एंड है तो मतलब सबको प्लस करके देखना है, अगर वो 1000 नंबर को टच कर रहा है तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी पड़ेगी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का कर्तव्य क्या है, ग्रीवियंसेस देखना, यानी कि अगर कोई भी दुख पहुंच रहा है किसी भी सिक्योरिटी होल्डर को तो इंश्योर करना कि मतलब उसके दुखों का निवारण हो सके, ठीक है जी। चले, द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज बाय हिम शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। क्योंकि स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर भी आते हैं, तो शेयर होल्डर की जब जब मीटिंग होगी तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे अगर वो नहीं जा पा रहे तो उनके जगह पर कोई और व्यक्ति उस जनरल मीटिंग में अटेंड जरूर करेगा, उस मीटिंग में जरूर अटेंड करेगा। फिर ये पेनल्टी इंपॉर्टेंट है जी, 177 और 178 दोनों की पेनल्टी एक ही है, वो क्या है कि कंपनी शेल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 5,00,000 रुपए और एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शेल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ 1,00,000 रुपीस, ठीक है जी। तो ये है पेनल्टी 177 एंड 178 की। और फिर उसके बाद हाँ, अगर मान लीजिए मैंने कहा जी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी किस लिए बनाई जाती है, ताकि स्टेक होल्डर की ग्रीवियंसेस को रिड्रेस किया जा सके, हैंडल किया जा सके। अगर मान लीजिए आप किसी वजह से आप उस उनकी कंप्लेन को, ग्रीवेंसेस को नहीं रिजॉल्व कर पाए, तो फिर गुड फेथ की वजह से, मतलब मान लीजिए इनएबिलिटी टू रिजॉल्व और कंसीडर्ड एनी ग्रीवेंसेस बाय स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इन गुड फेथ शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन, तो इसे मैं कॉन्ट्रावेंशन नहीं मानूंगा। मतलब अगर गुड फेथ में हो आप, आपके पास कंप्लेन ज्यादा थी, अभी तक आप नहीं सुन पा रहे हो, ईयर एंड में उनकी कंप्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी सुन सकते हो, या फिर कोई कंप्लेन ऐसी है जहां पे आपका रोल नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज की नोटिफिकेशन के कारण हुई है, सेबी की नोटिफिकेशन के कारण हुई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप गुड फेथ में हो तो कोई पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है जी। सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन यहाँ छोड़ दीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 179 पर। देखो जी, सेक्शन 179 क्या कहता है, कहता है जी कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो कि केवल बोर्ड मीटिंग के अंदर ही एक्सरसाइज की जा सकती हैं, यानी कि उनके लिए रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं होगा, कुछ ऐसी पावर्स होती हैं। अच्छा, मगर इसे सबसेक्शन 1 से शुरू करते हैं। पहला सबसेक्शन क्या कहता है, कहता है जी कंपनी की जितनी पावर है वो सारी की सारी कौन एक्सरसाइज कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यह है पहला सबसेक्शन। फिर उसके बाद कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता जो पावर किसको दे दी गई है, मेंबर्स को दे दी गई है, यानी कि जहां पर जनरल मीटिंग लिख दिया गया है, चाहे इस एक्ट के अंदर या फिर मेमोरेंडम के अंदर या आर्टिकल के अंदर, तो वो पावर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता है जी, अगर मान लीजिए कोई भी रेगुलेशन इन द बोर्ड जनरल मीटिंग
उस एक्शन को वैलिडेट नहीं करेगी, नॉट टू इनवैलिडेट एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच वुड हैव बीन वैलिड इफ एनी सच रेगुलेशन हैड नॉट बीन मेड. मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरोइंग कर सकते हैं 1,000 करोड़ रुपीज तक की, और उसके ऊपर मेंबर एक्सरसाइज करेंगे बोरोइंग पावर 1,000 करोड़ से ऊपर. अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी बोरोइंग कर चुके थे 900 करोड़ की. अब एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें कहा गया कि हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इस पावर 1000 करोड़ की पावर को कम करके कह रहे हैं 400 करोड़. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर कितनी कर दी गई? 400 करोड़ कर दी गई, 1000 से घटाकर 400 करोड़ कर दी गई. ठीक है, सवाल उठा वो बोरोइंग ऑलरेडी 900 करोड़ की एक्सरसाइज हो चुकी है तो फिर उसका क्या होगा? लॉ कहता है जो काम हो चुका है, मान के चलो अगर ये रेगुलेशन दोबारा ना आती मेंबर्स के द्वारा 400 करोड़ वाली, तो पहली रेगुलेशन 1000 करोड़ की थी, उसको देख के 900 करोड़ की बोरोइंग की गई तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि रेगुलेशन इन द जनरल मीटिंग इनवैलिडेट नहीं करेगी कोई प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो तब वैलिड होता जब ये रेगुलेशन नहीं थी. ठीक है, चलिए फिर. अब ये पावर ऐसी हैं जो बोर्ड मीटिंग में ही एक्सरसाइज की जा सकती हैं. कौन कौन सी? शेयर से रिलेटेड पावर्स हैं, लोन से रिलेटेड पावर्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड पावर्स हैं. शेयर से रिलेटेड, कॉल मंगाने की पावर, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं, बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए. बायबैक से रिलेटेड पावर, बोर्ड मीटिंग में ही हो सकती है. इशू ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड पावर, शेयर्स इशू करने हैं, केवल बोर्ड मीटिंग में ही एक्सरसाइज की जा सकती है. अगेन केवल बोर्ड मीटिंग में ही एक्सरसाइज की जा सकती है. क्लियर हो गई इतनी बात भी? चले फिर लोन से रिलेटेड पावर की अगर मैं बात करूं तो फिर चाहे बोरोइंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, लोन्स हो, गारंटी और सिक्योरिटी हो, ये सब भी बोर्ड मीटिंग में ही एक्सरसाइज की जा सकती है. उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड पावर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन बोर्ड मीटिंग के अंदर ही, अमलगमेशन, टेक ओवर, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑब्लिक रिमूवल ऑफ द KMP और अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, इन सब का अपॉइंटमेंट बोर्ड करता है मगर बोर्ड मीटिंग के अंदर ही करेगा, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होगा. अब यहाँ पर एक पेच फंस रहा है, वो क्या है? यहां पर आया बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, गारंटी ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लोन्स और गारंटी और सिक्योरिटी. देखो जी, इन्वेस्टमेंट आई, अच्छा, ग्रांटिंग ऑफ लोन एल, फिर गारंटी और सिक्योरिटी जी एस. अब इन चारों को मिला दूं तो बन गया एल जी एस आई. इनके लिए एक सेपरेट सेक्शन बना हुआ है 186, स्पेसिफिक सेक्शन है इनके लिए. तो जब जब लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, 179 नहीं लगेगा, 186 लगेगा. 186 में जाना पड़ेगा, यहां पर हम नहीं आ सकते जब जब मैं LGSI की बात करूंगा. अब रह क्या गया? केवल बोरोइंग, बस यहां पे रह गया बोरोइंग. बोरोइंग से रिलेटेड पावर जो है वो डेलीगेट की जा सकती है, क्योंकि ये तीनों के ऊपर तो ये सेक्शन ही नहीं लग रहा, छोड़ दो इसे तो. ठीक है, बोरोइंग से रिलेटेड पावर डेलीगेट की जा सकती है बाय बोर्ड रेजोल्यूशन एंड बोर्ड मीटिंग पास करके. किसको दी जा सकती है? किसी भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर या MD को या मैनेजर को ये पावर डेलीगेट की जा सकती है बोरोइंग से रिलेटेड. अब यहां पर आया बायबैक. बायबैक की मैं अगर बात करूं तो देखिएगा नीचे, बायबैक कितना कर सकते हो? मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बोर्ड मीटिंग में बायबैक कर सकते हैं. 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री पेड अप इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस का बायबैक ये नहीं कर सकते. तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एक एग्रीमेंट के अनुसार आते हैं, मेंबर्स की परमिशन से आते हैं, तो इसलिए मेंबर ही बायबैक कर सकते हैं. मेंबर कैन बायबैक द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बट नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. उसके बाद ये फॉर लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट सेक्शन 186 इज मोर स्पेसिफिक सेक्शन, तो वो यहां पर 179 में कवर नहीं होगा. तो ये थी हमारी आज की बोर्ड मीटिंग की पहली क्लास. ठीक है जी, तो अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जहां हम 180 से लेकर 186 तक कवर कर देंगे. चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर. तो ये बोर्ड मीटिंग पे दो क्लासेस और लगेंगी. धन्यवाद.